हमारे यहाँ तो सभी डॉक्टर हैं, बुखार होने पर पैरासीटामॉल खा लिया और सर्दी जुकाम होने पर कोई भी एंटीबायोटिक ले लिया। तो हमारे यहाँ डॉक्टर तो सब हैं और हमारे यहाँ तो एंटीबायोटिक को लोग लइया भूजा की तरह लोग खाते हैं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और आपको बता दें, विदेशों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं मिलता है, इसीलिए इस बार ICMR ने सभी डॉक्टरों को एडवाइस किया है कि ये बीमारी, इस फ्लू वायरस से जिसको भी बीमारी हो जा रही है, खांसी या बुखार जो भी है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का उपयोग कम करें। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है, एक रिसर्च के से ये पता लगाया गया है, ICMR ने मतलब बताया है इस चीज़ को, कि इस फ्लू वायरस से जिन लोगों को डायरिया हुआ था उसमें 70% मरीज ऐसे थे जो इसी फ्लू वायरस से उनको डायरिया हुआ था, और इस फ्लू वायरस से एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही। तो इसी वजह से ICMR ने इस बार डॉक्टरों को एडवाइस कर दिया है कि इस वायरस से जिसको भी दिक्कत है उन पे एंटीबायोटिक दवाओं का यूज कम किया जाए, उनको सबसे पहले एंटी एलर्जी दवा दी जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाए। तो यही ICMR ने एडवाइस जारी किया है। और ICMR ने एक और गाइडलाइन जारी किया है कि इससे बचना है, अगर आपको इस फ्लू वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से अगर आपको बचना है तो आपको वही रूट फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने कोरोना में किया था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में जिस प्रकार आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगा रहे थे, साबुन से हाथ धो रहे थे, बाकी छींकते खांसते वक्त जो है अपने आप को मुंह को ढक ले रहे थे, उन्हीं सब चीज़ों को, गाइडलाइनों को इसमें भी आपको जारी रखना है अगर इस वायरस से आपको बचना है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, घबराने की बात नहीं है आप लोगों को, इससे बस सावधानी बरतनी है, ये जानलेवा नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। इसलिए आपको इस वायरस से थोड़ा बचना है। इस वायरस का नाम एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट है, अपनी मर्जी से कोई दवा एंटीबायोटिक दवा न लें, बिना किसी डॉक्टर के सलाह से अपनी मर्जी से कोई एंटीबायोटिक दवाएं ना खाएं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं इस समय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।